So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इस कलर से बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ मैं। सो जी, आपको पता है कि आजकल फंकी कलर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो जी मैं अपने लेंथ वाले जो लिफ्टेड हेयर्स है ना, इनको चेंज करवाने वाली हूँ, ब्लू कलर करवाने वाली हूँ मैं अपने इन बालों पर। जी किस ब्रांड के कलर्स हम यूज करने वाले हैं ये आपको ऑन स्क्रीन नजर आ रहा होगा, कहाँ से मिलेंगे सारे डिटेल्स आपको साथ साथ स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लिया करें, वहां पर वीडियो से रिलेटेड सारी डिटेल्स है ना वो मौजूद होती है। जी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें। जी लेट्स गेट स्टार्टेड। जी किस कंपनी का कलर मैं आज यूज करने वाली हूँ, कलर यूज करने वाली हूँ जी, मैं कैराटोन्स ब्रांड है ये, जिसमें हमें बेशुमार कलर्स हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख लें कि ये किस तरह की दिखती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बहुत सारे जो है वो कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको पिंक कलर मिलेगा, ऑरेंज कलर मिलेगा, रेड मिलेगा, बरगंडी मिलेगा, येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, मतलब बहुत सारे फंकी शेड्स। जैसा कि मैंने अपने बालों में ब्लू कलर करवाया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप इनमें से कोई भी कलर उस तरह से लगवा लेते हो, या फिर आप यहाँ नेक एरिया पर पीछे नेक वाली साइड पर भी थोड़ा सा कुछ करवा लेते हो फंकी कलर में, तो वो बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जी इसके अंदर से कुछ इस तरह की ट्यूब जो है वो निकलती है, यू कैन सी कि इसकी पैकेजिंग जो है वो किस तरह की है, और इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल थिक फॉर्म में है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ट्यूब्स का टेक्सचर होता है। बट इसके लिए आपके बालों का लिफ्टेड होना ज़रूरी है। अगर आपके बाल ऑलरेडी लिफ्ट नहीं है तो आप पहले अपने बालों को कम से कम 7-8 लेवल जो है वो लिफ्ट करोगे, बल्कि 7-8 लेवल ही जो है वो लिफ्ट होने चाहिए। मेरे बाल ऑलरेडी लिफ्टेड थे क्योंकि मैंने बलयाज करवाया हुआ था, तो मैं इसी के ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन करने वाली हूँ इसकी। अभी आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हो। जितने अच्छे से आपने प्रोडक्ट को मल्सीफाई किया होगा, अच्छे से बालों में ब्लेंड किया होगा, अप्लाई किया होगा, उतना ही मज़े का कलर जो है वो आपके बालों में आ जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा बारीक लेयर भी नहीं लेनी, नॉर्मल सी आपने लेयर लेनी है। उसके ऊपर आप इस तरह से प्रोडक्ट लगाओगे, उसको आप अपने हाथों की मदद से ही जो है वो मल्सीफाई करोगे, ब्लेंड करोगे, कॉम्ब यूज़ करोगे। मतलब एक लेयर पर एप्लीकेशन करते हुए ना आपको ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स लग सकते हैं, तो बड़ा तसल्लीबख्श काम है, जल्दी जल्दी नहीं करना आपने। और जी मेरा गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कल वीडियो अपलोड करनी है। मुझे वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना ज़रूरी है। 2 दिन से वेट कर रही थी कि गला ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा, तो अब जैसी भी आवाज़ है मैं वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और माजरा चाहती हूँ आप लोगों से अगर आपको समझने में या सुनने में दुश्वारी आ रही है। अब बात कर लेते हैं जी इस कलर की स्टेबिलिटी की। तो कलर जो है ना ये आपके बालों में 25 वॉशेस तक रहता है, मतलब 25 बार आप बाल वॉश करोगे ना उस दौरान तक ये कलर रहेगा, उसके बाद ही आपके बालों से निकल जाएगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। जब भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है मेरे बालों पे, अब हमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद हम बालों को वॉश करेंगे, शैम्पू करेंगे, कंडीशनर करेंगे, देन आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। या गाइस, 25 मिनट्स के बाद मैंने बालों को वॉश करके स्ट्रेट कर लिया है, और जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। यू कैन सी के बहुत ही खूबसूरत सा लुक हम लोगों ने जो है वो अचीव कर लिया है। यू कैन सी इसके बड़ा ही मजे का ब्लू शेड हमने जो है वो अचीव किया है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखें ये शेड है बालों का। और जी 25 मिनट्स की एप्लीकेशन के बाद ही ये रिजल्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन मेक श्योर के बाल जो है वो लिफ्टेड होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको लगाओगे तो एक मजे का कलर जो है वो आपके बालों में आ जाएगा। जी अगर आप इन कलर्स को ऑर्डर पे मंगवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा होगा जहां से आप ऑर्डर करके इन कलर्स को, जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, पिंक है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लू है, और भी बहुत सारे शेड्स हैं जिन्हें आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इन कलर्स की, जिन्हें आप ऑर्डर पे जो है वो मंगवा सकते हो। जी मुझे कैसा लग रहा है ये कलर, मेरे बालों में कैसा लग रहा है, मुझे सूट कर रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजे मजे के कमेंट लाजमी कर दिया करें क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगे, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें, आसमा का ऑफिशियल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।